नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आज मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक का दूसरा दिन है और आज बैठक शुरू होने के साथ ही इंडिया का लोगो जारी होने वाला था, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि लोगो का अनावरण आज होने की संभावना नहीं है, क्योंकि लोगो के लिए कुछ और नए सुझाव आए हैं जिसकी वजह से अनावरण की तारीख बदल दी गई है। जाहिर है लोगो में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। इससे पहले भी कल शाम को ये लोगो जारी होना था, जिसके समय में बदलाव करते हुए आज सुबह लोगो जारी होने की संभावना जताई जा रही थी और अब एक बार फिर सूत्रों के मुताबिक लोगो जारी करने के समय में बदलाव की बात सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक का दूसरा दिन है। आज बैठक शुरू होने के साथ ही इंडिया का लोगो जारी होने वाला था, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि लोगो का अनावरण आज होने की संभावना नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए कुछ और नए सुझाव आए हैं और इसको लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है कि यहाँ पर दल तो मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं, मतभेद अभी भी हैं। और ऐसे में जो लोगो जारी होने वाला था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि संयोजक को लेकर के ऐलान होगा, लोगो जारी होगा, दूसरा दिन है, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं एक एक करके हम आपको बता रहे हैं जिसमें घमासान मचा हुआ है। क्या सारे निशान एक साथ आएंगे? संयोजक इसमें कौन होगा? कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, उसकी भूमिका क्या रहने वाली है? पीएम उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, 2024 के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त इस बैठक को लेकर के यही बना हुआ है कि क्या एक निशान के नीचे आएंगे और ऐसे में क्या संयुक्त उम्मीदवार होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है कि लोगो आज भी जारी नहीं होगा, लेकिन लोगों पर नए सुझाव मिल रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस बैठक का शंखनाद पटना में हुआ था, उसके बाद इंडिया नाम दिया गया बेंगलुरु की बैठक में, अब मुंबई में जो ये विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, इस बार दो दल और मिल गए हैं, 28 दल हो गए हैं। और मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। नीरज, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो ये बैठक का दूसरा दिन है, लोगो आज भी जारी नहीं होगा, इसकी संभावना कम है, क्या नए सुझाव वजह है या फिर कुछ और कारण है? देखिए, विभिन्न दलों की तरफ से नए नए सुझाव आए हैं। जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, लोगो आज जारी नहीं होगा, जिसके लिए पहले से शेड्यूल तय था, आज 10:30 बजे के आसपास का शेड्यूल तय था, लेकिन लोगो न जारी करने का फैसला ये ले लिया गया है। हालांकि सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि अभी सुझाव लिए जाएंगे और उसके बाद बदलाव किया जाएगा। दूसरी अहम बात है कि मुंबई की बैठक, जिसे विपक्ष की पार्टियां बार बार ये कह रही है कि सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगी, इंतजार इस बात का है कि सबसे बड़ा फैसला क्या होगा। अगर पटना की बैठक में इंडिया अलायंस आया सामने और बेंगलुरु की बैठक में अलायंस को इंडिया का नाम दिया गया, तो आखिर मुंबई की बैठक में ऐसा क्या होगा जो कहा जाएगा कि यहाँ एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। तमाम विपक्षी दलों ने, जो छोटे दल हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, दूसरी पार्टियों की बात करें, उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और फिर लोकसभा चुनाव है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने, न्यूज 18 इंडिया के सवाल पे दोनों ने कहा कि वो चाहते हैं कि सीट शेयरिंग जल्द से हो, और उन्होंने बैठक में इस बात का जिक्र भी किया है, मांग भी की है। नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो और उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग होनी चाहिए। अब कांग्रेस पे दबाव है और कांग्रेस के पक्ष में गेंद है कि वो फैसला करे कि जल्द से जल्द सीटों पर कोई फैसला हो। जी ठीक है, हमारे सहयोग